अगर मैं आपसे ये कहूं कि 5 का बाइनरी कन्वर्जन क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? आप सीधा सीधा यहां पर एक लाइन खींचेंगे ऐसे जैसे मैं कर रहा हूं, और 5 का बाइनरी कन्वर्जन कैलकुलेट कर देंगे। कैसे? यहां पे 5 लिखेंगे और इसे 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 का जो 2 है वो बेस होता है बाइनरी का, और यहां दो बार में इसका डिवाइड होगा, दो बार में भाग जाएगा और रिमाइंडर बच जाएगा 1। तो जो रिमाइंडर बचेगा उसको आप यहां लिख देंगे और फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो एक बार में जाएगा और रिमाइंडर 0 बचेगा, और ये कुल मिलाकर के नीचे 1 बचा और ये 0 और फिर 1, यानी आंसर आप बता देंगे 101। यही तो आंसर बताएंगे 5 का बाइनरी कन्वर्जन अगर बोला जाता है तो। इसी तरीके से पाइथन के अंदर एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, उसी प्री डिफाइंड फंक्शन की बात करेंगे जिसका नाम है बिन। अब इसको कैसे यूज करते हैं, इसके लिए चलते हैं पाइथन पर। तो ये पाइथन ओपन किया है, यहां से कंट्रोल एन प्रेस करके न्यू पेज ले लेता हूं, यहीं पर हम वो कोडिंग करने वाले हैं। कल भी यहां सेम है जो अभी आपने देखा, यहां पर मैं आपको दिखा भी देता हूं क्या क्वेश्चन था। यही हमारा आंसर था जो हमने अभी कैलकुलेट किया है, वो यही कैलकुलेट किया है, देख सकते हैं ये मैंने स्क्रीनशॉट भी लेके रखा हुआ है, और यही सेम सवाल यहां भी पूछा जा रहा है। तो ये बिन जो है प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, जैसे प्रिंट एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, वैसे बिन भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, और 5 को ये कन्वर्ट करेगा बाइनरी में तो 101 ही आने वाला है। तो ये चलिए देखते हैं इसको, यहां से इसको क्लोज करता हूं, इसको रन कराएंगे, और रन कराते वक्त ही हम इसे सेव भी करेंगे। तो यहां पर इसे किसी भी नाम से सेव कर देते हैं, .py लगा के एंटर करते हैं और इसे एक्सेप्ट कराते हैं। तो यहां पे देख सकते हैं ये 101 ही आ रहा है, ठीक है। अगर मैं 0b ये जो लिखा हुआ है इसको हटा देता हूं, तो ये 101 दिखा रहा है यहां पे रिजल्ट, ठीक है। तो ये बिन फंक्शन जो है ये पाइथन में प्री डिफाइंड होता है, और ये यूज होता है कहे लिए, क्योंकि हम कैलकुलेट करना चाहते हैं बाइनरी किसी भी नंबर का। 3 का बाइनरी कन्वर्जन क्या होगा, ये देखिए यहां पे आ गया। तो यहां पर 3 का बाइनरी कन्वर्जन होगा 11, ठीक है, यानी 11। तो ये कैसे हुआ इसको एक बार देख लेते हैं, एक बार मैं आपको कैलकुलेट भी करके दिखा देता हूं कैसे ये हुआ। 3 है ना, तो यहां पे देखिए क्या करेंगे, यहां पे ऐसे लाइन खींचेंगे, यहां 3 को 2 से डिवाइड कराएंगे, ठीक है। तो यहां 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये एक बार में जाएगा और यहां 1 रिमाइंडर बच जाएगा, और ये 1 और ये 1 मिला के क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, यानी 11 हो जाएगा। 11 नहीं कहेंगे बल्कि 11 कहेंगे, और ये बेस 2 लगा देंगे। तो बस इतना ही तो आया हुआ है हमारा भी। यहां पे आंसर देखिए, यहां पर रन जब करवा रहे हैं तो सेम वही रिजल्ट आ रहा है, देखिए ये 11 आ रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है।